हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसा है। होता क्या है कि हम लोगों ने वेस्टर्न सोसाइटी से ये तो सीख लिया कि कपड़े अलग तरह के पहने, खाना अलग तरह के खाएं, लेकिन उनकी तरह सोच नहीं बदली अपनी। अगर हम उनसे कुछ सीख रहे हैं तो बाकी अच्छी चीज़ें भी उनसे सीखनी चाहिए। हमारे पेरेंट्स के साथ हमारा जनरेशन गैप है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं तो हमें भी आगे बढ़कर उस सोच को भी अपनाना चाहिए। यहाँ के बच्चों ने कहा कि अगर हम पेरेंट्स से बात करेंगे तो एक सोल्यूशन निकल सकता है। थोड़ा वो मानेंगे, थोड़ा हम मानेंगे, तो सिचुएशन कैन बी बेटर। अब मेरा सवाल आप सबसे है कि आप लोगों का सबसे बड़ा डर क्या है? बीइंग अ वुमन, बीइंग अ गर्ल, आप लोग किस बात से, किस सिचुएशन से सबसे ज्यादा डरती हैं? तो आप डरती हैं, हर एक लड़की डरती है, देयर इज नथिंग टू बी अशेम्ड अबाउट इट। हम लोग एक बार बाहर गए हुए थे तो एटीएम जाना था, मेरे को मेरी टीचर थी मेरे साथ, तो हम लोग अकेले दो लेडीज थे पूरे स्ट्रीट पे, तो बहुत सारे बॉयज हैं, हम लोगों को अकेले सच्ची में डर लगा कि कुछ हो ना जाए। हम थोड़ा सा आगे गए, हमने बोला वापस चले तो वरना कुछ हो जाएगा, फिर हमें हम पे आएगा, तो हम लोग भी थोड़ा बहुत यू नो दिमाग में होता है कि कुछ हो गया तो, इसलिए हम लोग खुद को भी रिस्ट्रिक्ट करते हैं, दूसरों को भी हम एडवाइस करते ना जाने के लिए। बहुत सारी ऐसी बातें सामने आई हैं, बहुत सारे सजेशंस बच्चे यहाँ दे रहे हैं, और कोई कुछ कहना चाहेगा इसके बारे में? सबसे पहली बात तो हम लोग कह रहे हैं कि हमें बात करनी चाहिए अपने पेरेंट्स से, बट पेरेंट्स को समझना चाहिए, क्योंकि बचपन से बच्चे को नहीं पता होता उसके पेरेंट्स कैसे हैं, बट पेरेंट्स बच्चों को ग्रूम करते हैं, तो पेरेंट्स की थिंकिंग में ऐसा होना चाहिए कि हमें बच्चों से क्लोज होना है, वरना बच्चे क्लोज नहीं होंगे। अगर पेरेंट्स जितना दबाएंगे बच्चों को, आज भी इतने घर हैं इंडिया में जिसमें पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाई के लिए दबाते हैं, कपड़ों के लिए दबाते हैं, तो जितना दबाव होगा उतना बच्चे उतने इलीगल काम करेंगे, तो पेरेंट्स को ये बात पहले समझनी चाहिए। बिल्कुल, पेरेंट्स को भी समझनी चाहिए और बच्चों को भी समझनी चाहिए कि आप लोगों के अकॉर्डिंग वायलेंस का क्या मतलब है। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, एक्चुअली टू बी वेरी स्पेसिफिक, उसका क्या मतलब है और कितने टाइप का होता है ये? मेरे अकॉर्डिंग वायलेंस सिर्फ फिजिकल नहीं होता, वायलेंस अगर आप किसी को कुछ ऐसी बातें कह रहे हो जिससे उसके मेंटल स्टेट हार्म होता है, मेंटल वायलेंस वो भी होता है, और वो बहुत सी जगहों पे देखा जाता है। हम कभी कभार अनजाने में हम खुद किसी को ऐसी बात कह देते हैं जिसकी वजह से हमें नहीं पता पर सामने वाले पे बहुत असर होता है। ज़रूरी नहीं है कि वायलेंस फिजिकल हो, मेंटल हो सकता है, और भी कई तरीकों का वायलेंस होता है। कि कोई और जिसकी व्यू थोड़ा डिफर करता है? इंडिया में आज तक मैक्सिमम स्टैटिस्टिक जितने भी रहे हैं वो इसी चीज़ के रहे हैं कि कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर अगर किसी वुमन को होता है तो वो इसीलिए होता है क्योंकि या तो उसको डाउरी के लिए पीटा गया हो या किसी और रीज़न से पीटा गया हो। इट्स समथिंग सो वायलेंट कि वो उसको मेंटली टॉर्चर करता है, एंड मैक्सिमम केसेस सिर्फ इसी वजह से होते हैं, और लड़कियाँ इस चीज़ से बाहर इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये फैक्टर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक ओपननेस है सोसाइटी में और सोसाइटी के रहने लोगों में। एग्जैक्टली, सबसे बड़ा रोग क्या करेंगे लोग, वंडरफुल सेइंग। आई थिंक कि जितनी भी सारी सिचुएशंस है, वायलेंस हो रहा है, रेप हो रहा है, इन सब का जो सबसे प्रॉपर सोल्यूशन ये रहेगा कि वीमेन लर्न हाउ टू डिफेंड देमसेल्व्स, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं उनकी सोच बदलना, गवर्नमेंट के लॉ स्ट्रिक्ट करना अभी इस लेवल पे ये हमारे हाथ में नहीं है। जो हमारे हाथ में है वो ये है हमारे को अपने आप को कैसे डिफेंड करना है। अगर हर किसी औरत को आता होगा, हर किसी लड़की को आता होगा कि कोई हमारे साथ कुछ कर रहा है, हम उसे कैसे उल्टा जवाब दें, कैसे हम अपने आप को डिफेंड करें, तो ये सिचुएशंस कभी आएंगी ही नहीं। जी बिल्कुल, रेप, डाउरी, एनीथिंग जो एक औरत को मानसिक या शारीरिक चोट पहुंचा सकती है वो सब वायलेंस के अंडर आता है। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि आप लोग जानते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस तो सबको पता है, पर क्या आप लोग जानते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस इंडिया में कितने परसेंटेज में होता है? क्या परसेंटेज है इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस की? 62% डोमेस्टिक वायलेंस। एनीबॉडी एल्स? द कंसंट्रेशन इज मोर जो ज़्यादा अर्बन एरियाज में ही होता है, शहर में ज़्यादा फीमेल फीटिसाइड और डाउरी केसेस, ये विलेज से ज़्यादा हमारे शहरों में होता है। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, आपको क्या लगता है उसकी हमारे देश में क्या परसेंटेज है? 55%, मोर देन 50% डोमेस्टिक वायलेंस देयर इन आवर कंट्री। एनी गेसेस? आपको क्या, आप अपना परसेंटेज गैस, आपको क्या लगता है कितनी परसेंट औरतें इस हमारी कंट्री में? मोर देन 80% में भी। किनको लगता है 50% प्लस? सी मैक्सिमम लोग कह रहे हैं कि 50% के ऊपर औरतें हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं।
Now here is something which I want to tell you. मैं आप लोगों से share करना चाहती हूँ. Government survey के according 40% औरतों के साथ domestic violence होता है. फिर एक private survey भी हुआ है. उस survey के according 84% औरतों के साथ domestic violence होता है. Which is a big amount. पर अगर हम government की भी ना माने, private की भी ना माने, तो बीच का रखते हैं. 50% औरतों के साथ domestic violence होता है. Do you even realize? हर दो औरतों में से एक औरत के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है. सो इट्स अ बिग थिंग. जब एक औरत के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, ऐसे में उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक औरत को उस सिचुएशन को एस्केप करना चाहिए और अपने आप को डिफेंड करने की शक्ति रखनी चाहिए उसे. और सेकंड स्टेप उसे लेना चाहिए कि उसे गवर्नमेंट के पास जाकर, पुलिस में जाकर रिपोर्ट करनी चाहिए उसके अगेंस्ट. और सबको, सोसाइटी मेंबर्स को ये बताना चाहिए कि उसके साथ क्या हुआ है. डर कर चुप नहीं रहना चाहिए. बिल्कुल, डर का बिल्कुल चुप नहीं रहना चाहिए. फियर इज द बिगेस्ट फियर आई थिंक. हमें डर के नहीं रहना चाहिए और हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और इमरजेंसी टाइम हमें मतलब अवेयर रहना चाहिए कि क्या क्या हमारे पास चॉइसेस होती हैं इमरजेंसी टाइम. मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें सहन नहीं करना चाहिए किसी भी तरह का वायलेंस. अगर है तो अगर हम उसको अगर बढ़ावा नहीं देंगे तो आगे नहीं बढ़ेगा. तो हमें सबसे पहले सहन शक्ति, जो हम कहते हैं औरतों में बहुत सहन शक्ति है, भारतीय महिलाओं में बहुत सहन शक्ति है, तो हमें उसे हटाना चाहिए. सहन मत करो, आगे आओ, बोलो कि आपके साथ क्या हुआ है. जी बिल्कुल. हम लेडी का सबसे बड़ा डर होता है कि उसके बारे में सोसाइटी क्या सोचेगी. तो सबसे पहले औरत को हमेशा ये डर हटाना चाहिए कि सोसाइटी उसके बारे में, उसकी फैमिली के बारे में क्या सोचेगी. उसे एक आगे स्टेप लेना चाहिए और एक एग्जाम्पल बनना चाहिए कि हाउ टू फेस वायलेंस एंड हाउ टू अगेंस्ट. एग्जैक्टली, उसे एक एग्जाम्पल बनना चाहिए, अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए. जितने भी वायलेंस के केसेस आते हैं, आप लोगों के अकॉर्डिंग उसकी वजह क्या है? क्यों होता है एक औरत के साथ घरेलू हिंसा? बेटा ना दे पाना. और कोई कारण? लोग सोचते हैं कि आदमी ज्यादा पावरफुल है तो वो कोशिश करते हैं कि एक ईगो, मेल ईगो नाम की एक चीज होती है, वो नहीं चाहते कि जो फीमेल्स हैं हमसे आगे जाएं, तो वो फीमेल्स को दबाने की कोशिश करते हैं. और उस वजह से जब फीमेल्स अपनी आवाज़ उठाती है तो डोमेस्टिक वायलेंस आता है. उनको फीमेल से पैसे चाहिए होते हैं. दाउरी भी एक केस है. तो मेल ईगो, लोग चाहते इतने टाइम से जो लॉज है वो चेंज ना हो. वन एग्जाम्पल इज खाप पंचायत. वो अब तक वही लॉज चल रहे हैं जो बहुत सालों से चलते आ रहे हैं. एंड उनके लॉज इतने डिफरेंट है कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज को भी नहीं मानते हैं. इतने सारे केसेस हमने देखे हैं जहाँ पर वहाँ की पंचायत लोगों को एंड दबाती है, स्पेशली फीमेल्स को, क्योंकि वो जो लॉज होते हैं वो उनके कल्चरल, जो इतने पुराने लॉज हैं उनके अगेंस्ट जा रहे होते हैं. औरतों की सोशल पोजीशन, मतलब बचपन से ही आज तक भी काफ़ी घरों में बताया जाता है उनके बेटों को कि यू कैन डोमिनेट ओवर विमेन एंड आपका पूरा हक है उनको मारपीट करने का या जो भी है, जो ज़रूर ये नहीं होना चाहिए. इसी वजह से डोमेस्टिक वायलेंस जैसे केसेस आते हैं, बिकॉज मेन थिंग दैट दे कैन हार्म विमेन इन एनी वे पॉसिबल, विच इज़ नॉट करेक्ट, विच इज़ नॉट अ रियलिटी. वी आर नो लेस, राइट? सबसे बड़ा कारण जो है वो है सोच. जब तक सोच नहीं बदलेगी हमारी सोसाइटी की, जब तक कुछ नहीं हो सकता. ये चीज़ जो चली आ रही है वो चलती ही रहेगी जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी सोसाइटी. मेरे लिए सबसे बड़ा कारण है डर. जो औरत के अंदर डर होता है उस वजह से वो पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन नहीं कर सकती. उसे लगता है कि पुलिस उसे हैरेस करेगी. बट मुझे लगता है कि अगर बहुत औरतें, सारी औरतें जिनके साथ ये होता है, वो खुद आगे जाके लड़ें और खुद आगे जाके बोले कि हाँ मेरे साथ ये हुआ है, तो आई थिंक कि जो लोग हैं द ब्यूरोक्रेट्स और व्हाटएवर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, दे विल एक्ट फॉर इट. आई थिंक दे विल एक्ट. एग्जैक्टली. जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे हमें पता नहीं है कि क्या नतीजा निकल सकता है. जब तक हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, लड़ाई लड़ी नहीं जाएगी. घरेलू हिंसा का सबसे बड़ा वो भी है कि जो औरतें होती है सबसे ज़्यादा डिपेंड हो जाती है अपने पति पे, और उसकी फ्रस्ट्रेशन में आके उन औरतों को अपनी एक पहचान बनानी पड़ेगी, अपने खुद के लिए कमाना पड़ेगा, तभी उन्हें सोसाइटी में जगह मिलेगी. ठीक है. अच्छा, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि डाउरी के बारे में आप सब जानते हैं,
और हम सबकी सोच अलग हो सकती है डाउरी को लेकर। कोई उसे सही मान सकता है, कोई गलत मान सकता है, कोई ये भी कह सकता है कि चलिए अगर वो लड़की के घर वाले अपनी मर्जी से डाउरी दे रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसे में मैं आप लोगों की राय जानना चाहती हूँ कि डाउरी के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं। मेरे हिसाब से किसी इंसान को पैसों के तराजू में तोलना बिल्कुल गलत है। क्यों हमें उन्हें किसी चीज़ का लाभ, किसी का लालच देने की ज़रूरत पड़े? जब कोई चाहता है, अपनी मर्जी से शादी करना चाहता है, तो हम उसे क्यों लालच दें, क्यों हम उसे डाउरी के केस में बांधें? तो आपके अनुसार डाउरी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए सोसाइटी में? एक लड़की सबसे बड़ा उपहार है जो हम किसी लड़के को दे सकते हैं, तो डाउरी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और कोई राय? डाउरी की जो शुरुआत थी हमारे भारत में, मोस्ट चीज़ों की शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन उनको हमारे धर्म ने बिगाड़ दिया। धर्म कर्म किसी से भी कहें बिगाड़ दिया गया। डाउरी की शुरुआत ये हुई थी कि अगर कोई पिता अपनी बेटी को कुछ दिल से देना चाहता है, अपने घर जाए, वो खुशी रहे, खुश रहे, और कुछ दिल से कुछ देना चाहता है तो वो दे, लेकिन उसको एक कंपल्शन बना दिया और पैसे के नाम पर डाउरी बना के उसे लेना शुरू कर दिया गया। जी बिल्कुल। इनका कहना है कि डाउरी को अगर पेरेंट्स अपनी मर्जी से दे रहे हैं तो वहाँ तक सीमित रहे तो अच्छा है, पर लालच नहीं बनना चाहिए। कोई और जिसका कोई अलग व्यू है इसके बारे में? डाउरी एक ऐसा वायरस है जो हमारी सोसाइटी में इतनी बुरी तरह से घुसा हुआ है कि लड़की के यहाँ से जो भी कुछ ना कुछ तो आना ही है। हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि हम बाराती हैं, हम लड़के वाले, तो हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा, अब चाहे वो एक मर्सिडीज़ हो या एक मारुति 800 हो। मेरे हिसाब से चाहे पेरेंट्स खुद विलिंगली भी दे रहे हों, वो भी उन्हें नहीं देनी चाहिए। ये सोच भी गलत है क्योंकि वो अपनी बेटी को दे रहे हैं बिना कुछ उनसे लिए, ये सबसे बड़ी बात होनी चाहिए। उन्हें और कुछ उनसे नहीं लेना चाहिए डाउरी में। जी बिल्कुल, हर कोई इक्वल है और लड़कियां तो बिल्कुल किसी से कम नहीं है, और MGT तो इसका एक एग्जांपल है। रियली गर्ल्स आर रियली स्ट्रांग हियर एंड आई लव्ड टॉकिंग विद यू ऑल गाइज। थैंक यू वेरी मच, आई रियली लव टॉकिंग टू ऑल गाइज एंड थैंक यू फॉर अ वंडरफुल सेशन वी हैड। स्टॉप इट।